लोकेशन है पहली बार ये फिल्म में हमने बीच बीच लोकेशन दिखाया है, मगर बीच जनरली बहुत मतलब आप गर्मी की बात सोचते हैं मगर यहाँ पे तो बहुत ठंड थी एंड मुझे नहीं लगा, पहली बात तो ये है कि मुझे लगा नहीं कि मैं एक रोमांटिक सॉन्ग मैं कर पाऊँगा, मगर राजीव जी ने मुझे कन्विंस किया और द कोरियोग्राफर ऑल्सो अरविंद ऑल्सो कन्विंस्ड मी कि नहीं कर पाएगा, तो मुझे अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स दिए गए, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं एक लिनन जैकेट डार्क ग्लासेस पहन के और मतलब वादियों में ऐसे मैं एक रोमांटिक सॉन्ग करने का मुझे मौका मिला और फाइनली मैं कन्विंस हो गया कि एक कॉमेडी सीन नहीं कर रहा हूँ मगर एक रोमांटिक सॉन्ग करने जा रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, थैंक्स टू वरदान फॉर कंपोजिंग एंड गिविंग अस सच अ फैबुलस सॉन्ग। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक रोमांटिक गाना है, फर्स्टली बिकॉज माई कोस्टा वॉज कुनाल, बिकॉज इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इसी वजह से सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि ये वहाँ पे कॉमेडी कर ही रहे थे, यू नो लाइक मोस्टली जो भी शॉर्ट्स उन्होंने दिए ही यूज टू यू नो इज लाइक लिव ही स्टैंडिंग विद लिनन जैकेट लाइक ओ आई एम शाहरुख खान एंड स्टफ लाइक दैट यू नो एंड जितना एक्साइटमेंट कुनाल को हुआ उस करने में उसे देख कर देर वॉज ऑल्सो इनफैक्ट बीच में आई थिंक कुनाल द रिमेंबर दैट ये वो वहाँ पर पूरी ऐसी ग्रीक लड़कियाँ थी एंड कुनाल वॉज सिटिंग ऑन दैट चेयर विद द सनग्लासेस और ये सब और किसी ने सेट से बता दिया ये हीरो है बॉलीवुड का उसका नाम कुनाल रॉय कपूर है, तो वहाँ की सारी गोरियाँ क्या है कि इंडिया में जब हम सॉन्ग शूट करते हैं तो लोगों को पता रहता है कि अच्छा गाने का शूट हो रहा है, उनको पता है कि अच्छा नाच रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, मगर अब्रॉड जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई एलियन स्पेसशिप वहाँ पे लैंड होके कोई एलियंस देख रहे हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ एलियन का नाच चल रहा है। There were around 20-25 girls who came and they knew that you were the hero and all that. क्योंकि मेरे वो stunning good looks की वजह से हाँ सब भाग के आ गए, मतलब मैं वहाँ दूर से खड़ी और ये autograph sign कर रहा हूँ, हंस भी रहा है, he was laughing like you know इनको क्या बता मैं बॉम्बे में मैं comedy करता हूँ मैं ये नहीं करता हूँ, but it was a very nice experience like he said बहुत ठंडी थी, beach का location था, piercing cold ice water. Like literally we're sitting and we're हम लोग गाना गा रहे हैं, lip sync कर रहे हैं and my teeth are like नहीं so it was like that, तो ऐसा लगा ही नहीं था romantic गाना था, पर I would really like to say that अगर this whole thing looks as great as it is right now, it's वरदान my choreographer Arvind, thank you so much for doing this. I think both of us have matched each other so well in this, you know, I mean we're looking really good in it and he has done an amazing job, in fact he's one of my best co-stars. बहुत अच्छा लग रहा है because कुणाल को जैसे उन्होंने खुद कहा है कि हम सब लोगों ने कॉमेडी अवतार में देखा है और फर्स्ट टाइम उनका रोमांटिक ऑल यू नो टिपिकल बॉलीवुड एक्टर्स जो होते हैं कि जैकेट वैकेट पहन के और रोमांटिक सॉन्ग्स पे डांस करते हुए देख रहे हैं, सो ऑफकोर्स लाइक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर आई थिंक फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर द पीपल हु वर हिज फैंस एंड पीपल हु लव हॉरर फिल्म्स, दे हैव समथिंग न्यू टू वॉच। मेरे हिसाब से हीरो हीरो ही होता है चाहे वो कुणाल सर हो चाहे नवाजुद्दीन हो, अगर नवाज भाई कर सकते तो कुणाल भाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मेन तो है कि कुणाल भाई ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, उनको कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए कोरियोग्राफर में प्रोड्यूसर एक्ट्रेस सबने जो कॉन्फिडेंस दिया, तो हमारे कॉन्फिडेंस को देख के उन्हें लगा कि नहीं सही में अगर ये लोग बोल रहे तो मैं कर सकता, और उन्होंने जो ट्राई किया आप देखोगे बहुत अच्छा ट्राई किया उन्होंने।